गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या था? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने देखा था जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्दर जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो हमारा 2 टाइप्स था। नंबर 1 क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से? जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने स्टडी किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हमने डिटेल में देखा था और जिसको हमने देखा था कि ये भी कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन दोनों टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था। हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स देखे थे, जिसमें कई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखे, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क कंपैरिजन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिस्क क्लीनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सब के अपने अपने पर्पस थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और उनकी 2 टाइप्स, जो कि जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट सफिस फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर। केवल जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स थे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, वो ही एफिशिएंट नहीं होते कंप्यूटर के यूज़ के लिए, यानी कंप्यूटर अच्छी तरह से यूज़ कर सकें हम, उसके लिए हमें सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, इसके साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पे हम काम कर सकते हैं, और हम काम किसकी मदद से करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग काम करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेक द कंप्यूटर मोर यूजफुल बाय अलाउइंग स्पेसिफिक टास्क टू बी परफॉर्म ऑन इट। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को और भी ज़्यादा यूजफुल बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमें कंप्यूटर के ऊपर अलाउ करता है कि हम इस स्पेसिफिक टास्क के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो ये थी हमारी क्या इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन, डूइंग कैलकुलेशन, प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, बुकिंग टिकट्स एंड क्रिएटिंग ग्राफिक्स इमेज। जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? प्रोग्राम, जो हमें अलग अलग तरह की कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। और वो स्पेशल टास्क कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है हमें, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, कोई भी टिकट्स अगर हम बुक करना चाहते हैं, और कोई भी ग्राफिक्स या इमेज हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम सब किसकी हेल्प से करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस। क्या है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम सब ने कई बार सुना होगा। तो क्या होते हैं एमएस ऑफिस में? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और भी कौन कौन से एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? एडोबे फ्लैश, एडोबे फोटोशॉप, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, नैरो, गूगल क्रोम, पेंट, विनरार, आउटलुक एक्सप्रेस, क्यू बेसिक ETC आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकंड हमारा कौन सा है, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हम देखेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू फुलफिल द जनरल नीड ऑफ पीपल। इन सॉफ्टवेयर्स को जो हम लोग हैं उनकी जनरल नीड्स को, जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई आपको रिज्यूम क्रिएट करना है, कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो इस तरह की कुछ जनरल हमारी जो टास्क होती हैं उन सबको परफॉर्म कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सम कॉमनली जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर आर एस फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट अलाउ अस टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इजीली। हम वर्ड की हेल्प से क्या बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं बहुत क्विकली और इजीली, आसानी से। इट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन टू एडिट और टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और उसको अलग अलग तरह का फॉर्मेट दे प्रोवाइड करा सकते हैं। विच मेक्स द यूज़र मोर प्रोडक्टिव, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो मोर प्रोडक्टिव, अच्छा लगता है और अच्छे से समझ आता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ये हमारे कुछ वर्ड आपको प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, जैसे राइटर्स है, वर्ड है और वर्ड पैड है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, एग्जाम्पल्स किसके, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस और राइटर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है किसका, वर्ड प्रोसेसिंग जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। सो प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, स्लाइड्स की फॉर्म में। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट ग्राफिकली रिच प्रेजेंटेशन। इसकी मदद से हम अपनी एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें हम ग्राफिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन प्रोजेक्टर, जिसे हम प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। और ये सब हम क्यों करते हैं, बिजनेस के लिए या किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ इजी टू यूजिंग। इसमें हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं और वीडियो और स्लाइड्स की हेल्प से हम उन्हें दिखा सकते हैं। स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन द प्रेजेंटेशन, उस प्रेजेंटेशन में हम ये सब डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, ऑडियो वीडियो डाल सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मेट ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स टू मेक द प्रेजेंटेशन आई कैचिंग। आई कैचिंग बनाने के लिए, यानी हमें बहुत अच्छे से हमारी नज़र उस पर जाए, हम उसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, इस चीज़ के लिए उसमें स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ये आपको ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पावर पॉइंट है, इम्प्रेस है, ये दोनों सॉफ्टवेयर कौन से हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ओपन ऑफिस इम्प्रेस, दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन सा है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने जो हमारा डाटा है हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। यूजर्स कैन एंटर न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल डाटा इनटू अ सेल। जो यूज़र है
वो अपने डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में सेल के अंदर डाल सकता है। सेल क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सेल देखा होगा, एक्सेल में क्या होते हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, ऐसे करके रोज और कॉलम्स हमारे होते हैं। तो ये जो रोज और कॉलम्स के इंस्ट्रक्शन से जो ये बॉक्स बनता है, दिस बॉक्स इज सेल, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। ठीक है जी, तो यूज़र कैन एंटर, हम जो यूज़र है वो न्यूमेरिक फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में सेल के अंदर अपने डाटा को एंटर कर सकता है। ठीक है जी, एन इंटरसेक्टिंग एरिया ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन एरिया होता है, जो कॉलम बनता है, दैट इज सेल। इन एडिशन अ फॉर्मूला कैन बी इंटर्ड इन टू अ सेल, और इसके साथ साथ सेल के अंदर हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड डिस्प्ले अ वैल्यू इन द सेल। और फॉर्मूला लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जो वैल्यू हम इसमें डालना चाहते हैं, जो कैलकुलेशन करने के बाद उसमें डालना चाहते हैं, वो अपने आप एंटर हो जाती है। स्प्रेड शीट्स आर आल्सो यूज फॉर फोरकास्टिंग सेल, एनालाइजिंग इंश्योरेंस प्रोग्राम, समराइजिंग इनकम टैक्स डाटा एंड एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट। स्प्रेडशीट आर आल्सो यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, यानी बताने के लिए, क्या बताने के लिए, हमारी सेल क्या है, एनालाइजिंग इंश्योरेंस प्रोग्राम टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में, समराइजिंग इनकम टैक्स को समराइज करने के लिए, पूरा क्या बना है, कितना बना है, उस तरह के डाटा को समराइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट्स का। एंड एनालाइज इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या इन्वेस्ट हुआ है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, इस चीज़ को देखने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लोटस 1-2-3 है, ओपन ऑफिस है, सेल्स है, तो ये सब क्या हैं, हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम शॉर्ट में DBMS भी कहते हैं। DBMS मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आ डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन ए वे दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड मैनेज एंड अपडेटेड। जो एक डाटाबेस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है, जिसको हम ऑर्गेनाइज वे में इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, उसे इजीली मैनेज कर सकें, और अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो इसे इजीली हम अपडेट भी कर सकते हैं। अ टेलीफोन डायरी, रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स इन ए स्टोर, रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस की क्या एग्जाम्पल है, जैसे हम एक टेलीफोन डायरी बना लेते हैं, टेलीफोन डायरी में अल्फाबेटिकली हमारे सारे जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। कोई भी ग्रॉसरी आइटम है उसका अगर हम रिकॉर्ड बनाते हैं किसी स्टोर के अंदर, किसी बुक्स का हम जब रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको अच्छे से मैनेज मेंटेन करते हैं किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, ताकि हम आसानी से कोई बुक हमारी कहाँ रखी है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को जो यूज़ होता है, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो आपका DBMS है, इसका मेनली काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ उसमें से अपडेट करना है तो हम उसे इजीली अपडेट भी कर सकते हैं। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच अलाउ यू टू क्रिएट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंड अपडेट द डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। हम जहाँ पे भी अपना डाटा स्टोर करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से उस डाटा को आराम से क्रिएट करते हैं, एक्सट्रैक्ट उसको आराम से निकाल सकते हैं उस डाटा से, अगर हमें कुछ अपडेट करना, और ये काम हम बहुत ही क्विकली एंड एफिशिएंटली कर सकते हैं यदि हमने अपने डाटा को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से मैनेज किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू कंबाइन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू प्रोड्यूस ए फाइन टू फिनिश्ड प्रिंट रेडी डॉक्यूमेंट।
जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारा, ऐसा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक अच्छे से प्रोड्यूस, एक फिनिश्ड वे में प्रोड्यूस करता है, बहुत फिनिशिंग वे में, और जिस जो कि प्रिंट के लिए रेडी होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या गड़बड़ नहीं होती। कुछ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, कॉरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, एडोबे इन डिज़ाइन है, क्वार्क्स एक्सप्रेस है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट जो हमारा जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू क्रिएट, स्टोर एंड एडिट चार्ट, ग्राफिक्स, मैप्स एंड ड्राइंग। यदि हम अपने चार्ट्स को, ग्राफिक्स को, मैप्स को या किसी ड्राइंग को क्रिएट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर हम उन्हें एडिट करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? अच्छा, वन मिनट। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या है? पेंट है, फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, और GIMP इज़ ऑल्सो एन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज़ पेंट, दिस इज़ फोटोशॉप। केवल लैपटॉप या आप अपने PC में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब होता है, दिस ऑल आर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज टू लिसन ऑडियो वीडियो। जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है वो क्या लिसन करने के लिए यूज होता है? ऑडियो या वीडियो। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट एनिमेटेड स्टोरीज। अगर हम कोई एनिमेटेड स्टोरीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कोई क्लिप्स इस तरह की हम बनाना चाहते हैं या कोई वीडियो इस तरह की बनाना चाहते हैं हम, तो हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एंड टेक्स्ट विद द हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। हम बहुत अच्छी क्वालिटी में अगर ये सब बनाना चाहते हैं, देन वी विल यूज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स हैं कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के, दीज आर विंडोज मीडिया प्लेयर, फ्लैश हमारा जो एग्जांपल है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मूवी मेकर जो हमारा है दैट इज़ ऑल्सो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ओके, दिस वाज जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ था हमारा जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ एप्लीकेशन पर्पज़ एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है नेक्स्ट? स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर आर स्पेशली डेवलप्ड टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एनी यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन, सच एज अकाउंट मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम, HR मैनेजमेंट, अटेंडेंस सिस्टम एंड पेरोल। इस तरह के जो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी यूज़र की स्पेशल रिक्वायरमेंट पे बनाए जाते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट यूज़र की होती हैं उन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि अकाउंट मैनेजमेंट, और भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, उन सब की अकाउंटिंग जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, और उन सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस अकाउंट मैनेजमेंट को बनाया जाता है। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम है, कि जैसे टिकट के लिए हम रेलवे वगैरह में या प्लेन वगैरह में टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर चलते हैं आप सबने देखा होगा कि वो कंप्यूटर्स पे ही तो काम करते हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से होते हैं वो। HR मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, अटेंडेंस सिस्टम जो है हमारा, दिस इज स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेरोल सिस्टम अगर है, दैट इज़ ऑल्सो स्पेशल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इनका एक और नाम क्या है? टेलर मेड एप्लीकेशन सॉरी टेलर मेड सॉफ्टवेयर्स इनको हम कहते हैं। सम कॉमनली यूज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। इनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व मेंटेनिंग बैंक अकाउंट्स, डेवलपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। जैसे अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बैंक अकाउंट को मैनेज करते हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको डेवलप करते हैं,
कैश फ्लो को भी देखा जाता है, कितना पैसा किधर से कहाँ जा रहा है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको इसके अंदर मैनेज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल जो हमारे अकाउंटिंग मैनेजमेंट के, डाटा टैली, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पेरोल ईटीसी, ये हमारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं किसके, अकाउंटिंग मैनेजमेंट के। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम है जैसे अ कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जिसको CRS बोलते हैं, इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड रिटीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एयर रेलवे एंड रोड ट्रेवल। जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है इसको यूज़ किया जा किया जाता है स्टोर करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को, और उसको जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिट्रीव करने के लिए या लेने के लिए, एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, और कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है जो रिलेटेड होती हैं किससे, एयर से, एरोप्लेन से, रेलवे से, और या फिर रोड जो हमारी बसेस वगैरह होती हैं उन ट्रेवल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको मैनेज किया जाता है किसके अंदर, रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर। मॉडर्न सिस्टम्स टिपिकली अलाउ यूजर्स टू बुक होटल रूम्स। मॉडर्न सिस्टम्स टिपिकली अलाउ यूजर्स टू बुक होटल रूम्स एंड रेंटल कार्स एज वेल एज ट्रेन एंड एयरलाइन टिकट्स। जो आज के मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, होटल के अंदर अपना रूम बुक कर सकते हैं, कार को रेंट पे हायर कर सकते हैं, ट्रेन और एयरलाइन की टिकट्स भी हम बुक कर सकते हैं इनकी हेल्प से। एग्जांपल्स हैं कुछ, एयर टिकट्स रिजर्वेशन है, ट्रेन टिकट रिजर्वेशन है, होटल रिजर्वेशंस हैं, इस ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं जब हम इंडियन रेलवे में अपना वो करते हैं रिजर्वेशन टाइप कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सब ये एक स्क्रीन है जो उस टाइम की दिखाई हुई है। नेक्स्ट है हमारा बिलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा बिलिंग सिस्टम। दिस सॉफ्टवेयर आर यूज टू जनरेट बिल्स। ये एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बिल्स को जनरेट करते हैं। दे ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग साइकिल टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज आर्स वर्कड, एक्सपेंसिस इनकर्ड, हाउ मच टू बिल क्लाइंट्स एंड विच क्लाइंट्स ओन मनी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। दे ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग साइकिल, कि भाई जो बिलिंग साइकिल है हमारा, कि भाई आज जैसे बिल जनरेट हुआ है इसके बाद कब होगा, तो वो सारा साइकिल है, पीछे कितना पे किया था आपके, ये सारी चीज़ें यानी बिल से रिलेटेड जो भी है वो सब ये डिस्प्ले करता है। जैसे कि आर्स, कितने आर्स काम किया है मान लीजिए, या कितने आर्स काम हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्लूड, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, लगा हुआ है, हाउ मच टू बिल, और क्लाइंट को कितना बिल पे करना है, एंड विच क्लाइंट ओन मनी फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किसको, किस क्लाइंट को आपको पे करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं बिलिंग सिस्टम के, दीज आर सेस टाइम्स स्लिप्स इन ट्विक्ट क्विक बुक टाइम्स एंड बिलिंग मैनेजर बिलिंग ट्रैकर एंड की बिलिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो बिलिंग वगैरह के लिए हम लोग इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ये एक स्नैपशॉट दिखाया गया है कि जब हम बिलिंग करते हैं तो इस तरह की हमें स्क्रीन देखने को मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सब था हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर क्या हैं, सॉफ्टवेयर किस किस टाइप्स के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनकी भी अपनी अपनी दो टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन चारों को हमने डिटेल में स्टडी किया।